ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। खंडवा जिला अस्पताल के डायलिसिस यूनिट में एकाएक आग लग गई, जिससे अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया और मरीजों को तत्काल सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। फिलहाल आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। दमकल विभाग के समय पर आग पर काबू पा लेने से एक गंभीर हादसा जरूर टल गया। आग शॉर्ट सर्किट लगने की वजह से हुई है और हम लोग प्रारंभिक जो होती है कि फायर को बुझा लिया गया है और साथ में जितने मरीज थे उनको बाहर निकाल लिया गया था। जैसे ही आग लगाई है सभी को सुरक्षित रूप से गीला कपड़ा मुंह पर ढक कर ही अंदर भेजा गया था। इसी कारण से अभी कोई क्षति किसी भी मनुष्य की नहीं हुई है ना। फायर ब्रिगेड को भी कॉल कर दिया गया है, वो लोग आ चुके हैं। कितने पेशेंट थे? दो पेशेंट थे जिनकी डायलिसिस चल रही थी लेकिन उनको पहले निकाल लिया गया था। भारी काम नहीं हुआ है, शॉर्ट सर्किट हुआ है जिसमें कमरे के पंखे के अंदर तार चिपक गए थे और कोई जनहानि नहीं है, सब कंट्रोल में है और सभी चीज़ ठीक है। हमारे जो वर्कर हैं सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर और हमारी टीम जो है उन्होंने फायर एक्सटेंसर और डॉक्टर आलोक भूषण जो ड्यूटी पर थे तत्काल तभी कार्रवाई करके सभी चीज़ को कंट्रोल कर लिया गया। सर दो पेशेंट यहाँ मौजूद थे उस वक्त, मरीज अभी ठीक ठाक है, बढ़िया। उस कमरे में नहीं लगा कुछ भी, हम वो बाजू वाले कमरे में कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ था उससे हुआ और तभी कार्रवाई करते हुए डॉक्टर ने और टीम ने उसको तत्काल कंट्रोल कर लिया। सर इसको वापस चालू कितना समय लगेगा? अभी 4 घंटे लगेंगे। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।